बीजेपी में दो नेताओं के अहम की टकराहट में डिप्टी सीएम के पद को संशय में डाल दिया है। अभी तक डिप्टी सीएम कौन होंगे इस पर फैसला नहीं हुआ है। हालांकि बिहार बीजेपी में डिप्टी सीएम के पद को लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर ट्विनिंग रखने वाले एकमात्र नेता सुशील मोदी हैं, और इस बार सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के दो दिग्गज की टकराहट क्या है। बीजेपी में सुशील मोदी का कद काफ़ी बड़ा है, पर जब से बिहार बीजेपी का कमान संजय जायसवाल को दिया गया है उसके बाद से ही संजय जायसवाल अपनी उपस्थिति पार्टी फोरम पर मजबूत करना चाहते हैं। आज भी जब बीजेपी मुख्यालय वीरचंद पटेल पथ पर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक चल रही थी तो उस समय संजय जायसवाल ने अपने चहेते तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता और रेणु देवी जो कि उनके ही इलाके से आती हैं को उपनेता बनवाने में कायम रहे। इस बैठक में भी संजय जायसवाल ने सुशील मोदी का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं होने दिया। दरअसल व्यास समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को नेता पद देकर संजय जायसवाल ने जो व्यूह की रचना की उसमें सुशील मोदी पिछड़ गए। सुशील मोदी भी व्यास समुदाय से आते हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर सुशील मोदी के साथ पहुंचे विधायकों ने सुशील मोदी को ही डिप्टी सीएम पद देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी की, पर राजनाथ सिंह के आने के बाद मामला अभी रोक दिया गया है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि वे सुशील मोदी का नाम कैबिनेट के लिए रखते हैं तो यह माना जाएगा कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम होने के साथ ही संजय जायसवाल पर भारी पड़ गए, और कैबिनेट लिस्ट में सुशील मोदी के नहीं आने से बीजेपी के लिए मुश्किल होगा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ ट्विनिंग कैसे बिठाई जाए। इसके लिए क्या बीजेपी बिहार में दो डिप्टी सीएम बनाएगी? क्या तारकिशोर प्रसाद के साथ ही रेणु देवी भी डिप्टी सीएम होंगी? यह सब तय होना है। विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया, और उसके आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी दलों का, उनके नेतागण अध्यक्ष सब लोग वहाँ जा करके गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई, और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और उसको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है, और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में। कल आफ्टरनून कितने समय? 4:30 के करीब होगा, आफ्टरनून में। आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है बताएंगे? कहा सब लोगों को काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरे तौर पर सब लोगों को, ताकि बिहार के लोगों ने पुनः अवसर दिया है और बिहार का और आगे विकास हो, और उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में, इसके लिए हम सब लोग करेंगे। कल कितने मंत्री शपथ? वो अभी अभी तय होगा। सभी घटक दलों के मंत्री? हाँ, सब लोग। तो अब आज जो हो गया चला गया, इसके बाद अब हमको भेजना है तो अब तो भेजेंगे कभी। आज आज शाम तक भेज सकते हैं, कल सुबह तक भेज सकते हैं। सर, एनडीए विधायक दल का स्वरूप सर क्या हुआ सर? एनडीए विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यगण और जितने सब एमएलसी हैं उन सब लोगों की बैठक हुई है, और उसी बैठक में ये सब निर्णय हुआ है। स्पीकर को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी चाहती है स्पीकर हमारा हो? अभी उसके बारे में कोई बात नहीं, अभी उन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं। सारे मंत्री सर अभी कितने मंत्री शपथ लेंगे, संख्या कुछ बता सकते? वही वही इसके बाद ही अब तय हो गए सर। जानकारी अब हो गया, गवर्नर साहब को दे दिया गया, उनका आदेश निर्गत हो गया। अब ये काम हमारी तरफ से भी जाएगा सब लोगों से बातचीत करने के बाद,
कल कौन लोग शपथ लेंगे, और जब शपथ ग्रहण हो जाएगा और तब उसके बाद कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट डिसाइड करेगी हाउस की बैठक कब से होगी, जिसमें सभी नव निर्वाचित लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा। सुशील मोदी के डिप्टी सीएम नहीं बनने से होने वाले नुकसान की भरपाई संजय जायसवाल कैसे करते हैं, यह सोमवार को पता चलेगा। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ पटना से अनुप प्रकाश की रिपोर्ट।